अल्लाह ताला चले चलाए को खराब नहीं करता, जो चीजें चल रही होती हैं उसको मजीद हुसन की तरफ लेके जाता था, प्रोवाइडेड के आप उन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखें जिसके तहत अल्लाह ताला आपने एक कायनात की मैथ्स का ख्याल रखना है। आप उससे हटके जा रहे होंगे तो 100 हजार इतराजात हो सकते हैं ना, एक जगह पे अल्लाह आपको बाउंड करेगा कि आपने इस प्रोसीजर और एसओपी के तहत ही पहुंचना है वहां। हम जिद लगा के बैठे हैं, नहीं मैं अपनी मनचाही तरीके से आऊंगा, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगा। दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला इंसान को उससे हायर लेवल पे ले जाने के लिए मौका देता है कि उसे गलती होगी और उसे ग्राइंड करेगा और उसे फर्दर पेन देगा। पेन पेन इज अ साइन ऑफ द टाइम ऑफ ग्रोथ। दर्द इस चीज की दलील होती है कि अब आगे जाने का वक्त आ चुका है। दर्द इस चीज की दलील होती है, इट्स टाइम टू पील ऑफ योर शेल एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन। दर्द इस बात की दलील होती है कि अब मेरे पास इस जगह पर मजीद एक्सर्ट करने के लिए मसल नहीं है, मुझे वेट बढ़ाना पड़ेगा। दर्द इस बात की दलील होती है, साइन होता है, एक इंडिकेटर होता है अल्लाह की तरफ से, अब उन्हें जंग मजीद वसी कर। जब दर्द आना बंद हो जाए ना, इसका मतलब है ग्रोथ रुक गई है इंसान की। जब दर्द आना बंद हो जाए और तकलीफ आना बंद हो जाए, मांगनी नहीं चाहिए, लात तमन्नु लिका अल अदू, दुश्मनों से मुलाकात की तकलीफ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन तकलीफ आती ही तब है जब अल्लाह ने इंसान को ग्रोथ देनी होती है, उसको बड़ा करना होता है, उसका दिल बड़ा करना होता है, उसका जिगर बड़ा करना। पॉइंट यहाँ पर यह है कि घबराना नहीं है, एक तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है इन चीजों के साथ, लेकिन लेकिन एक लम्हा वो होता है कि जब आप तजर्बे से पहचान लेते हैं कि आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। एक लम्हा वो, एक इल्म वो होता है, एक तजर्बा वो होता है, एक उम्र वो होती है जहां इंसान देख के और थोड़ा सा अरसा लगा के पहचान लेता है कि आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, मैं गलत जगह। मगर एक वो वक्त होता है जहां इंसान मारे खा के सीखता। तो आप कौन सा जवाब चाहते हैं? तजर्बे के साथ जानना, जो एक वक्त के बाद काट काट के हर चीज पे गौर व फिक्र करके, लोगों को समझ के, बातों को समझ के, गहराइयों को समझ के, अल्लाह को जान के, कायनात के फैसलों को समझ के, इंसान एक चीज को सेंस कर लेता है कि मैं यहाँ गलत हूं, मुझे होना ही नहीं चाहिए था। या एक वो उम्र है जहां इंसान पहुंच गया है, तजर्बा है नहीं, उम्र कच्ची है, इश्क नाकाम नहीं हुए, लोगों को पहचाना नहीं है, मुनाफिक की पहचान और जो मुखालफीन की पहचान, दोस्तों की पहचान, सज्जन की पहचान, अपने नफ्स का मुहासबा, अपने अंदर की कमजोरियां, अपने स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को जानता ही नहीं है और उसके बाद किसी जगह पहुंच गया है। तो यहां पर भी पहुंचने से पहले अगर कौम के लोगों का ये तरीकेकार हो कि वो सीरतें पढ़ें, उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करें, इस्तखारा करें, लोगों से पूछें, जो कामयाब हुए उनसे पूछें आप क्यों हो गए, और जो नाकाम हुए उनसे पूछें कि वो क्यों हो गए, और जाके कैलकुलेशंस करें और अपने लिहाज से पूरी मैथ्स रखें, और फिर उसके बाद 2 नफल पढ़ें, हरम में जाएं, गुसल करके अल्लाह के नाम लेके हदीस डालें, तो फिर वो दुनिया की सही तरीन हदीस बनती है सही बुखारी की। He did his maths, but he also did his supernatural thing as well. तो यहां पर अब आपको अगर बार बार ठोकर पड़ रही है और बार बार कामयाबी नहीं हो रही, आजमाइश लफ्ज अपनी जिंदगी में निकाल लें। जिंदगी ग्रो करने का नाम, जिंदगी बढ़ने का नाम है, जिंदगी सीखने का नाम है, जिंदगी अपने उन कन्वीनियंसेस से, कंफर्ट जोन से और अपने कल्ट से और अपनी उन मुकैदात से और उन तासुबात से निकलने का नाम है। जब निकलेगा दर्द होगी, तकलीफ होगी। अल्लाह अगर किसी इंसान से खैर चाहता है, अल्लाह उसको एहसास दिलाने के लिए जब उसे इशारे किनायों में से भी समझ नहीं आ रही ना, कि वो कीड़ियों के चलने से भी हल नहीं कर पा रहा कि यार मैं गलत जा रहा हूँ, अल्लाह फिर थोड़ी सी बड़ी भेजेगा, नहीं खुलेगा फिर थोड़ी और भेजेगा। जब आप सही कर रहे होंगे वो खराब नहीं करेगा। दैट्स